सोनपुर मेला के घोड़ा बाजार में आए हुए थे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर देखने को मिला और यहाँ पे भैया मिले, उनके साथ ये बड़ा सा घोड़ा देखने को मिला, तो सोचा कि थोड़ा सा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे दो ही घोड़ा देखने को मिला, एक बड़ा सा ये घोड़ा हो गया और एक बार कैमरा उधर मूव कीजिएगा, एक वो घोड़ा हो गया। हाँ तो बात करते हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम गौरीलाल यादव हुआ, भैया का नाम गोरेलाल यादव हुआ जी। तो ये बैनर का क्या राज है उसके बारे में बताइएगा, इतना जो घोड़ा बाजार में कहीं भी इस तरह से बैनर देखने को नहीं मिला है। बैनर का यही राज है, जो बैनर तो अपनी जगह पे नहीं, उसमें बहुत सारा चीज देखने को मिला है, पिक्चर वगैरह। वो क्या चीज है? वो अपने पल्ले विंटेज कार है, थार है, बग्घी है, 20-25 घोड़ा घर पे भी है। शौक से हम लोग एशिया का पशु मेला घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ जो अपना घोड़ा जो रखे शौक से आए किन्ने घूमने के लिए, आई बच्ची है, इसका 4 लाख रुपया कीमत है। अच्छा, ठीक ना। हाँ, तो ये बेचने के लिए तो नहीं लाए हैं? अभी इसको 2.5 लाख 3 लाख लगा चुका है, लेकिन हम 4 मांगते हैं। बेचने के लिए लाए? बेचने के लिए लाए। अच्छा, हाँ। तो ये जमीन का तो कीमत लगता है ना? हाँ, का? जैसे जमीन का कीमत लगता है, जैसे घोड़ा कोई किना उसको 1500-2000 इसका फिक्स प्राइस है, वो अगला जो आदमी किनता है उसको भरना पड़ता है। अच्छा, हाँ। कौन सा घोड़ा हुआ ये? कौन सा? ये नुकरी नस्ल का घोड़ी हुए, माने मनवारी नस्ल का, ठीक है, रेस वाला घोड़ा, रेस का घोड़ा वो। अच्छा, तो ये इसका क्या काम होता है? ये शादी ब्याह शौक से लोग शौक से घर पे सो वाला घोड़ा। हाँ, सो वाला हो गया, सो वाला। और खिलाते क्या है सबको? इसको खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, भूसा चोकर घर पे खिलाते हैं, यहाँ खिला रहे हैं, दूबी खिला रहे हैं, घर पे जाता है दूध और भी मिलता है, घी भी मिलता है, सारा दाना मिलता है सबको। घोड़ा को प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है वैसे, ये सब टाइप का घोड़ा को? पहले तो इसको दवाई, इसको चमक होना चाहिए ना, चमक होने के लिए। हाँ। प्रोटीन में ज्यादा इसको घी, दूध, मीठा और बहुत सारा केमिकल है, दवा है जो उसको खिलाया जाने पे चमकता है। हाँ। और ये हमारा रेसर घोड़ा हुआ, 30-40 भागता है, 35। कितना उम्र हो गया इसका, ठीक ना? उम्र कितना हो गया? उम्र इसका हो गया 4 साल। 4 साल का? 4 साल हो गया। 4 साल का? इतना बड़ा एगो बुआ बांधा नहीं पर। हाँ, 4 साल उम्र हो गया। दो दांत में घोड़ा किना के गया था। हाँ। हाँ। और अभी कितना हो गया? हाँ। अभी कितना? 4 साल उम्र हुआ। दांत पंज हो गया। पंज हो गया। हाँ, जवान हो गया, जवान। भैया कैमरा चल रहा, थोड़ा सब बैक हो जाएगा। ये अभी बिकाव नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं लाए हैं? नहीं नहीं, शो में आया रेस करने के। वो बेचने के लिए लाए हैं? हाँ, और ये बेचने के लिए ये नहीं, नहीं लाए। तो ऐसे कितना तक रेट लगा है? वैसे तो इसको कीमत लोग सब आके लगा दिया 3 लाख रुपया। बेचना कितना में चाह रहे हैं आप? बेचना हम तो 5 लाख रुपया कीमत। 5 लाख? अभी तक 5 नहीं कोई लगाया है? नहीं, आता है जाता है। पानी उसे हमको बेचना ही नहीं है, इसको जाएगा घर। कब तक रहिएगा, कितना तारीख तक? अभी है 5, 6 दिन रहिएगा, यानी 20-22 तारीख तक चले जाएंगे। इसको क्या कैसे देखभाल करते हैं, खान पान में मतलब क्या खिलाते हैं इसको? खान पान में जो वही भूसा चोकर, इसको भी दूध घी जैसे उसका देखभाल वैसा इसका भी सेम। कहाँ के रहने वाले भी आप? रहने वाले अपना समस्तीपुर जिला जितवारपुर घर। तो हुआ काम क्या करते हैं? काम हम लोग शादी ब्याह में अपना विंटेज कार हुआ, थार हुआ, जुलूस में जैसे भगवान का शादी ब्याह हुआ, किसी समारोह में जैसे जाते हैं आप लोग, पार्टी फंक्शन। हाँ, तो कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो मेरा नंबर है, पूरा पता सब दिल है। नंबर याद है? हाँ, नंबर याद है, 95-34-41-18-02। एक बार रिपीट कर दीजिए फिर। 95-34-41-18-02। तो आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भैया समस्तीपुर के रहने वाले हैं। लोकेशन क्या बता रहे थे भैया? अपना जितवारपुर घर हुआ, सपना टोला। हाँ। चांदनी चौक के पास, समस्तीपुर कॉलेज के पास, गोरे लाल बग्गी घोड़ा वाला। तो आप लोग कांटेक्ट अगर कीजिएगा समस्तीपुर से, अगर वीडियो देख रहे हैं और भैया से कलम मतलब सिखाते यार भी है आदमी को, किसी को घोड़ा चढ़ने का शौक हुआ, सीखने का ड्राइवर हुआ, ये सब ट्रेनिंग भी मिलता है। हाँ, ट्रेनिंग भी देते हैं, 1-2 महीना में पूरा ट्रेंड कर देते।